लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR-ें, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं आपके सुबह को पैगाम दे रहा हूँ, निहायत आज ही लिखा, एक हफ्ते के अंदर जिसके जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वक्त के खिलाफ है, अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इसलाह का मौका जरूर दे रहा हूँ, अगर इसलाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए फिर। सज्जन, एक ऐसा नाफूर है जो कि मुल्क की तबाही का बायस है, जो जो लोग हल्फ के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाए कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। हल्फ उठाए कि हम कुरान पे हल्फ करेंगे, वो जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। किसी की जरूरत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झर्मी है, आपसे किसी के नाम पे भी पैसा मांगता है। आप खड़े हो, आप तो एक ऐसे मराहल से आप गुजरे हैं, अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, आप नहीं होना चाहिए। हमारा वर्कर, हमारी टीम है सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इसके खिलाफ। मैं देखता हूँ किसमें जरूरत है कि वो पैसा लूटता है। जब जरूरत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं है। वो इंशाल्लाह मखलूक पाक की आवाम को पहले की तरह हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबों के लिए अलग अफसाने और बनाई गई थी, जो बांधे इंशाल्लाह रिकवर नाम से इंशाल्लाह वो भी खोल दी जाएंगे।